आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन. निवडणूक जाहीर झाली, प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली. बेळगावची निवडणूक म्हणजे उमेदवारांना आहे आमदार होण्याची घाई. मतदारांसाठी अस्मितेचा प्रश्न आणि अस्तित्वाची लढाई. निवडणुकीच्या या रणधुमाळीचे चित्रण खास तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत स्मार्ट न्यूज मधून, खास तुमच्या भेटीसाठी. मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन आपल्या लाडक्या चॅनलवर बघत रहा स्मार्ट न्यूज. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ. शुरुआत में एक नज़र आज की सुर्खियों पर. मॉरिशस में घूमा शिव छत्रपति का जय घोष. प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से केवल जनता की सेवा करने की उम्मीद करते हैं. युवा विकास और रोजगार का सृजन की आशा, जाति की राजनीति का विज्ञान, उसके लिए आया योगी का ब्रह्मास्त्र. मराठी भाषा विभाग में अभय पाटिल के नाम की जय हो. अमर येलुरकर को कैंप क्षेत्र से व्यापक समर्थन. आपल्या लाडक्या मुला मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे. श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो. आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000 अधिक स्थळे उपलब्ध. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध. आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी. संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533. Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. समाचार विस्तार से. मॉरिशस में भारत की छत्रपति शिवाजी महाराज की एक घोड़सवारी प्रतिमा का अनावरण किया गया. छत्रपति शिवाजी महाराज की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई है. हर जगह जहां कोई भी मराठी व्यक्ति होता है, दुनिया भर के कई देशों में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां हैं. अब मॉरिशस में देश की सबसे बड़ी अश्वरूढ़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है. इस मौके पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मॉरिशस के पंतप्रधान प्रविंद कुमार जगन्नाथ मौजूद थे. यह कार्यक्रम मॉरिशस में मराठी समुदाय द्वारा आयोजित किया गया था. उपस्थित मराठी भाई पारंपरिक महाराष्ट्र शैली के परिधान में थे. प्रतिमा के अनावरण के बाद मॉरिशस के महाराष्ट्र भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी में मौजूद भाइयों से बातचीत की. पंतप्रधान मोदी सत्ता से केवल जनता की सेवा करने की उम्मीद करते हैं. कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा. इस पृष्ठभूमि के खिलाफ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने बिदर में सभा को संबोधित किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला है. कांग्रेस ने मुझे 91 बार गाली दी, लेकिन लोगों ने उन्हें हर बार नकार दिया है. आम लोगों के बारे में सोचने वाले से कांग्रेस नफरत करती है. बड़े बड़े दिग्गजों का भी कांग्रेस ने अपमान किया है.
कांग्रेस गालियां देती है लेकिन मैं जनता के लिए काम करता हूँ, क्योंकि मुझे जनता का समर्थन है इसलिए अपमान मिट्टी से मिल जाएगा। कर्नाटक के पास सेवा करने के लिए और भी बहुत कुछ है, उसके लिए हमें पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी अपील की। कर्नाटक में राजमार्ग का विस्तार जारी रहना चाहिए, हर जिले में मेट्रो शुरू होनी चाहिए, अधिक से अधिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। कर्नाटक को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। युवा विकास और रोजगार सृजन की आशा। बेलगाम एक एजुकेशन हब में तब्दील हो गया है, लेकिन अब बेलगाम के युवा उम्मीद कर रहे हैं कि इस जगह पर एक रोजगार हब या एक आईटी परियोजना क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। उसके लिए युवाओं ने बेलगाम से स्मार्ट न्यूज को बताया कि जनप्रतिनिधि को चुनते समय इन्हीं कसौटियों पर जोर देंगे। स्मार्ट न्यूज ने मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन पहल के और उन्होंने आज के युवाओं की उम्मीदों को प्रतिनिधि रूप में पेश किया। आज युवाओं के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके समाधान के लिए व्यापक नेतृत्व की आवश्यकता है। आज का युवा भी यह सोच रहा है कि सही तरीके से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसे अपने हिस्से और अपने समाज के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अंततः युवाओं को व्यापक अवसर प्रदान करने वाला जनप्रतिनिधि अपेक्षित है, ऐसी अपेक्षा युवाओं ने व्यक्त की। जाति की राजनीति का विज्ञान, उसके लिए आया योगी का ब्रह्मास्त्र। कांग्रेस फिलहाल आरोप लगा रही है कि बीजेपी में जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने की परंपरा रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिगत पूर्वाग्रह का ध्यान रख रहे हैं। पार्टी के सभी नेता वक्कलिंग मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कर्नाटक राज्य में मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद वक्कलिंग प्रत्याशियों का भी चयन कर लिया गया है। अब उन प्रत्याशियों की जीत के लिए मतदाताओं को योगी आदित्यनाथ वक्कलिंग मतदाताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रचार क्षेत्र में उतरे हैं। कर्नाटक में ऐसा लगता है कि भाजपा ने धर्म के आधार पर मतदाताओं को लुभाने की मुख्य जिम्मेदारी योगियों को सौंपी है। योगियों ने श्रीराम और हनुमान का उल्लेख कर दक्षिण भारत को उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों से जोड़ा, तो अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रचार अभियान की दिशा साफ हो गई है। मराठी भाषा विभाग में अभय पाटिल के नाम की जय हो। मराठी बहुल क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार अभय पाटिल के लिए व्यापक समर्थन की घोषणा की गई, जो मुख्य रूप से मराठी भाषियों का निवास है। शनिवार को चुनाव प्रचार के जरिए इस क्षेत्र में अभय पाटिल के नाम का जाप किया गया। विकास के मुद्दे पर उपस्थित नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अभय पाटिल द्वारा किए गए विकास कार्यों से लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है, साथ ही उन्हें एक और मौका देने का संकल्प जताया। अभय पाटिल ने शनिवार को शाहपुर दैवज्ञ मंगल कार्यालय से अपने अभियान की शुरुआत की। अभय पाटिल ने कपिलेश्वर कॉलोनी, महाद्वार रोड, गुडशेड रोड, शास्त्री नगर की सभी गलियों में घर घर जाकर प्रचार और रोड शो कर लोगों से मतदान करने का आग्रह किया। इस जगह पर महिलाओं ने आरती उतारकर अभय पाटिल का स्वागत किया। अभय पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को जताने की अपील की है। अमर येलुरकर को कैंप क्षेत्र से व्यापक समर्थन। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार अमर येलुरकर के प्रचार के लिए कैंप क्षेत्र की सभी सड़कों से चक्कर लगाए गए। अमर येलुरकर ने शिविर क्षेत्र में श्री मरियम्मा देवी मंदिर, माता दुर्गा मंदिर और अन्य स्थानों पर दौरा किया। छावनी क्षेत्र के मुख्य मार्गों के साथ ही गली मोहल्ले से अभियान रैली निकाली गई। इस अवसर पर इस वर्ग के युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, साथ ही विभिन्न स्थानों पर महिलाओं ने आरती उतारकर अमर येलुरकर का स्वागत किया। कैंप क्षेत्र से महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण थी। इस बार उदय मोरे, प्रशांत कामले, तीर्थराज पिल्ले, रितेश कामले, वसंत जुवेकर, गणेश महेंद्र, दामोदर पुजारी, गणेश पुजारी, भालचंद्र पुजारी, केटी इस अभियान में पुरोहितों एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें महाराष्ट्र एकीकरण समिति के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, टूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना आराधना।
मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831-243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। सीमा का सवाल अपने अंतिम चरण में है, इसलिए युवाओं को इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए और पूरी ताकत से समिति के पीछे मजबूती से खड़े रहना चाहिए। साथ ही अभियान की योजना में युवाओं की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है और युवाओं को अभियान की योजना बनानी चाहिए। बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने ऐसी अपील की। कमेटी के प्रत्याशी आर एम चौगुले ने इस समय अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्ष संतोष मंडलिक की अध्यक्षता में शुक्रवार को तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यालय में युवा आघाड़ी की बैठक सम्पन्न हुई। अध्यक्ष संतोष मांडलिक ने कहा कि बेलगाम ग्रामीण क्षेत्र में मराठी लोगों का उदय हुआ है, इसलिए कमेटी की जीत तय है। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बिना किसी लापरवाही के जीत हासिल करने के लिए एक आक्रामक अभियान प्रणाली लागू करेंगे। इस मौके पर उपाध्यक्ष दत्ता उघाड़े, चिटनीस मनोहर संताजी, विलास देवगेकर, कल्लाप्पा पाटिल, अंकुश पाटिल, बाबाजी देसुरकर, मोहन गर्ग आदि ने शोक व्यक्त किया। रमाकांत कोंडुस्कर का ओल्ड बेलगाम इलाके में प्रचार दौरा। बेलगाम दक्षिण से महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार रमाकांत कोंडुस्कर को सभी क्षेत्रों से व्यापक समर्थन मिल रहा है और तस्वीर यह बता रही है कि उन्होंने प्रचार में एक मजबूत मोर्चा खोल दिया है। उनके प्रचार के लिए पुराना बेलगाम और वडगांव क्षेत्र में महाअभियान दौरा निकाला गया। इस अवसर पर मतदाताओं ने उनके प्रति सहज समर्थन व्यक्त किया। ओल्ड बेलगाम, वडगांव, यरमाल रोड, मंगाई नगर क्षेत्र में जब वे मतदाताओं से मिले तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीमा मुद्दों के समाधान के लिए संघर्ष करना महाराष्ट्र एकीकरण समिति का कर्तव्य है। उन्होंने मतदाताओं को आश्वासन दिया कि वे इस लड़ाई में नेता बनकर मराठी भाइयों की समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। उस समय मतदाताओं ने नारेबाजी कर उनका स्वागत किया। समिति के नेताओं के साथ महिलाओं और हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में नागेश मनोलकर के लिए बढ़ता समर्थन। पूर्व पालक मंत्री श्री रमेश अन्ना जारकीहोली का प्रचार दौरा संपन्न हुआ। इस मौके पर बड़ास, गजपति, कुकड़ोली, भेंडीगिरी, हरगी मर्डी, केके कोप, नागरहाल, बादल, अंकलगी, हुलीकवि गांव में महाअभियान चलाया गया। इस पदयात्रा को स्थानीय नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिला। जगह जगह महिलाओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया, साथ ही मंत्रोच्चारण भी किया। सभी गांवों में पूरा माहौल भाजपा का हो गया है। इस मौके पर रमेश जारकीहोली ने भरोसा दिया कि हम इस क्षेत्र के हर लंबित मुद्दे को हल करने के लिए कृतसंकल्प है। कलखाम चेकपोस्ट पर जब्त किए गए जेवरात और नकदी। बेलगाम तालुका के कलखाम चेकपोस्ट पर चुनाव अधिकारियों द्वारा सोने और चांदी के आभूषणों के साथ 1,00,000 रुपए की नकद जब्त की गई है। एक कार से सोने चांदी के आभूषण और मोटरसाइकिल से नकदी बरामद की गई है। बेलगाम से निकाली गई हुई कार की जब जांच की गई तो पता चला कि उसमें बिना किसी दस्तावेज के सोने और चांदी के आभूषण लदे हुए हैं। इस पंचनामा ने पंचों की मौजूदगी में जब्त कर लिया 118 ग्राम वजन के सोने के आभूषण और 1391 ग्राम वजन के चांदी के आभूषण इस समय मिले। इसे जब्त कर आयकर अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी कुलकर्णी को सौंप दिया गया। व्रज मनोहर वर्णेकर के खिलाफ मारुती थाने में मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभद्र भाषा एक बहुत ही गंभीर अपराध है। अभद्र भाषा बहुत ही गंभीर अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि ऐसे मामले में शिकायत न होने पर भी राज्य मामले दर्ज करे। यह सुनावनी उसी मामले में थी जिसमें कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को महाराष्ट्र सरकार को नपुंसक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भड़काऊ भाषणों से देश की धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हेट स्पीच के कारण देश भर में सामाजिक समरसता भी टूट रही है। अभद्र भाषा के लिए राज्यों के पास बहुत ही उदार दृष्टिकोण है। सुप्रीम कोर्ट के
सामने एक याचिका पर सुनवाई हो रही है कि इस तरह के घृणित और भड़काऊ भाषणों को लेकर राज्यों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की बेंच के समक्ष सुनवाई चल रही है। जनता की मांग के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र का विकास, लक्ष्मी हेब्बालकर का दावा। कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों से सड़क, सीवरेज, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मेरी आलोचना कर रहे हैं। मैं जानती हूं कि बुनियादी सुविधाओं के बिना लोगों का जीवन कितना मुश्किल है, इसलिए मैंने हर काम करते हुए उस क्षेत्र के लोगों की राय लेकर ही किया है। उस समय उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र के लोग विकास मांगते हैं, इसलिए उनका सर्वांगीण विकास करना मेरा कर्तव्य है। इस समय युवा कांग्रेस नेता मृणाल हेब्बालकर, स्थानीय नेता नामदेव अंगलेकर, ओमन्ना करलेकर, येलेशी हगेदल, बसु हप्पन्नावर, पुनप्पा पाटील, देवेंद्र पाटील, नागप्पा बेकिनकेरे, परशराम कोलकार और अन्य सदस्य उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।